नागपुर के काटोल विधानसभा में सोलार कंपनी में 9 लोगों की स्पॉट पे मृत्यु हो गई, जहां एक भयावह स्थिति निर्माण हो चुकी है। आज जिनका शव मिलना भी मुमकिन नहीं है, ऐसी स्थिति में जब सदन में यह मुद्दा रखा गया तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा से इनकार किया, जिसके चलते विपक्ष ने सत्याभाग किया। ऐसी जानकारी पोडियम पर पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने दी। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सोलार इंडस्ट्री है, जहाँ पे डिफेंस के लिए एक्सक्लूसिव तैयार होते हैं, वहाँ पे कल एक दुर्घटना हुई। 9 व्यक्ति मृत्युमुखी हो गए, उनकी जान गई, और जिस हिसाब से मुआवजा उनको दिया गया है, राज्य शासन ने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, और कंपनी जो सोलर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने सिर्फ प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपया देने का घोषणा कल की है। हमारी मांग है कि सोलर कंपनी ने हर एक आदमी को जो मृत्युमुखी गिरा है, प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए कंपनी ने देना चाहिए, और जिस हिसाब से वहाँ पे जो मजदूर हैं वहाँ पे इतवार को भी उनको जबरदस्ती काम में लगाया जाता है, इस प्रकार की काफ़ी वहाँ पे मैनेजमेंट के खिलाफ में तकरार है, उसके बारे में भी राज्य शासन ने ध्यान देना चाहिए। और ये सवाल जब मैंने विधानसभा में उठाने की कोशिश की तो हमको वहाँ पे बोलने नहीं दिया गया, अध्यक्ष साहब ने हमको परमिशन नहीं दी, करके हमने इस विषय के ऊपर सभा त्याग किया है। ही घटना तुम्हें सांगितलं, या वर्षातली ही तीसरी घटना है। आता 2 महिन्यापूर्वी एक इसम तशाच मृत्युमुखी पडला, त्याच्या पहिलेसुद्धा अशा घटना झाल्या। वारंवार अशा ज्या घटना घडतात त्याच्यावर सोलर कंपनीने सुद्धा व्यवस्थित कशा पद्धतीने अशा पद्धतीच्या घटना घडू नये यासाठी काळजी घेतली पाहिजे, त्यासाठी राज्य शासनाने त्यांच्यावर काहीतरी नियम लागू केले पाहिजे। एक्सक्लुसिव्ह डिपार्टमेंट आहेत राज्य शासन केंद्र शासनाचं, त्यांनी त्यांना नियमावली करून दिली पाहिजे की या पद्धतीने तुम्ही ह्या सर्व गोष्टी हाताळल्या पाहिजे, जेणेकरून पुढील काळामध्ये अशा घटना होऊ नये आणि दुर्दैवी लोक मृत्युमुखीमध्ये पडू नये, या दृष्टीनं कंपनीनीसुद्धा पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे। एक्सपर्ट्स त्या एक्सक्लुसिव्ह डिपार्टमेंटचे आलेले आहेत, ते संपूर्ण पाहणी करतील आणि आपला रिपोर्ट देतील। पण सोलर कंपनीमध्ये काम करणारे जे कामगार आहेत, ते कामगार सोलर कंपनीच्या मॅनेजमेंटवर अतिशय नाराज आहे, त्यांची पिळवणूक त्या सोलर कंपनीमध्ये केली जाते अशी त्यांची तक्रार आहे। या बाबतीत मी काल अतिशय त्या ठिकाणी आक्रोश होता, त्या सर्व कामगारांना सांगितलं, या हे संपूर्ण प्रकरण थोडं 3-4-5 दिवस गेल्यानंतर मॅनेजमेंट आणि कामगार आणि जे जिल्हाधिकारी आहे, बाकी अधिकारी आहे, त्यांच्याबरोबर आपली एक बैठक करून जे आपले प्रश्न आहेत ते प्रश्न मॅनेजमेंट समोर मांडण्यासाठी एक बैठक त्यानिमित्तानं आयोजित करण्यात येईल, अशा पद्धतीची सुद्धा मी काल आश्वासन कामगारांना दिलेलं आहे, त्या पद्धतीची बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्यात येईल।